स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। कहता हूँ हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला। साहब ने अध्यात्म पर जो कुछ कहा साफ कहा, पक्षपात नहीं किया। गुरु का सिद्धांत भी कहा, शिष्य का भी। इसलिए कह रहे हैं कहता हूँ हेला, फरमान, गुरु का गुरु, चेले का चेला, यानी दोनों के लिए। साहब कह रहे हैं मैं नियम बता रहा हूं। ये कहने के बाद साहब ने गुरु की बड़ी स्तुति की। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। बड़ा सक्षम साहब ने गुरु की वजूद को बड़ा सक्षम पावरफुल बोला। कितना पावरफुल? बहुत। अगर आप संतत्व की आइडियोलॉजी की तरफ थोड़ा भी ध्यान देंगे तो इसमें गुरु का महात्म अधिक बोला गया, बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए गुरु का योग चाहिए। इसके बगैर काम बन ही नहीं सकता। वैज्ञानिक चाहे नारी गर्भ में भ्रूण ट्रांसमिट करके बच्चे को स्थापित करें, लेकिन पोषित माने करना है, उसने ब्लड से ही उसको आगे पोषित करना है। इसी तरह परमात्म तत्व की प्राप्ति बिना गुरु के होना ही नहीं है। क्या योग में, सर्वगुण उपासना में, बाहरी भक्तियों में इतना बड़ा गुरु का महात्म है? नहीं, नाम मात्र के लिए इतना ज्यादा महात्म वो नहीं दिए। हाँ, दर्शक के तौर पर गुरु को वो भी स्थापित करते, भूमिका ज्यादा नहीं है गुरु की। गुरु का रोल भक्ति में बहुत ज्यादा नहीं है, वो कर्म पर, साधना पर, योग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। पर साहब ने ये सब मिथक तोड़ दिए, गुरु के इर्द गिर्द लाकर के घुमा के खड़ा कर रहे हैं। कबीरा, हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं हो सहाय। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं गुरु सुमरे सो पार। इतना बड़ा महात्म दे रहे हैं। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव। बहुत से बंधनों से बंधाई ये जीव कुछ नहीं कर पाएगा। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं यह सब साधन से ना होई,
तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। परमात्म तत्व की प्राप्ति साधना से नहीं हो पाएगी। इसका मतलब निष्क्रियता थोड़ी बता रहा हूं। गुरु कृपा आवश्यक है। हरि कृपा जो होए तो नहीं, होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। परमात्मा की कृपा हो तो हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन गुरु कृपा बिना सकल बुद्धि बह जाए। आखिर क्या धातु है गुरु के अंदर? वो बड़ा सतर्क करके बोल रहे हैं, गुरु मानुष कर मानते चरणामृत को पान, ते नर नर कह जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। गुरु का कथन मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। जो इतनी कड़ाके की वाणी बोलने वाले हैं वो गुरु के आगे समग्र समर्पण की बात कर रहे हैं। हर बात पे साहब ने बोला, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब साधुओ नहीं, मेरी बात सुनो। और साधो इसको साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जो इतना विवेक करने के लिए आगाह कर रहे हैं वो गुरु के आगे कंप्लीट सरेंडर होने के लिए बोल रहे हैं। गुरु गूंगे गुरु बांवरे, गुरु के रहिए दास। जो गुरु भेजे नरक में तो रखिए स्वर्ग की आस। गुरु हैं बड़े गोविंद से बड़े बोल रहे हैं, तू मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। इसके दो कारण हैं। ये सब बात बोलने के बाद वो कह क्या रहे हैं? कहता हूं हेला फरमान। गुरु का गुरु, चेले का चेला, कह रहे मैं फरमान कह रहा हूं। गुरु का भी लक्षण कह रहा हूं, चेले का भी लक्षण कह रहा हूं। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी आगे गंगा एक। कबीरा आगे गंगा एक। पहली बात देखते हैं गुरु कैसा। साहब के इन शब्दों का दुरुपयोग करते हैं कुछ
वांछक गुरु, वो भी यही हवाला दे देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन आगे ये बोल नहीं रहे हैं गुरु कैसा होना चाहिए, ये नहीं बोल रहे हैं, दोनों पहलुओं को नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक वैसे ही एक भिखारी भीख मांगता है, कबीर साहब का दोहा कहता है, चोंच भर पंछी गया नदी ने घटे नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। वो लोग दुनिया से धन प्राप्त करने के लिए, दान प्राप्त करने के लिए भिखारी लोग ये बात तो बोल रहे हैं, ये किस स्तर पर बोला ये नहीं विचार कर रहे। आगे ये कभी भी वो नहीं कह रहे, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, ये सदगुरु की सीख। भला भिखारी ये बात गाएगा, लेकिन वो ये तो कह रहे चोच भर नीर ले गया पंछी, नदी ने घटे नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। वो ये तो बोल रहे, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यही सदगुरु की सीख। इसी तरह लोग साहेब के ये दोहे, वांछक गुरु, काम चलाने के लिए शिष्यों को, वो भी यही बोल रहे हैं गुरु गोविंद से बड़ा है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं गुरु कैसा होना चाहिए, इस फैक्टर को नहीं छू रहे हैं। पर साहब तो कह रहे हैं कहता हूं हेला, गुरु का गुरु, चेले का चेला, कह रहे हैं मैं फरमान बता रहा हूं गुरु का भी और चेले का भी, कैसा गुरु हो कैसा चेला हो, गुरु के लक्षण कहत हूं, सुनो धीर चित लाए। कह रहे भाई गुरु के लक्षण कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। प्रथम निर्वासना, गुरु विषय विकार न करने वाला। आपके लिए एक नियम है, एक नारी ब्रह्मचारी, गुरु कभी विषय भोग न करे। गुरु हो बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी क्यों, हमारे कई जन्म के संस्कार साथ में चलते हैं, अगर वो बचपन से ही ब्याह नहीं करने की ठाना है तो उसके उत्तम संस्कार साथ है, ठीक है, उत्तम है, लेकिन बाल ब्रह्मचारी गुरु मिलना मुश्किल है। बाल ब्रह्मचारी कुछ मिल तो जाते हैं, तत्वदर्शी नहीं होते हैं, वो भी निरंजन की भक्ति में उलझाने वाले मिल जाते हैं। प्रथम गुरु हो निर्वासना, अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो कम से कम सन्यासी हो, क्योंकि जो आत्मज्ञानी है वो विषय भोग फिर नहीं करेगा, उसको ये सब खेल लगेगा। सन्यासी हो, ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, इनको दूर ही तज दीजिए, साहेब चेतावनी दे रहे हैं, जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए को। यहाँ गाड़ी फंस जाती है, यहाँ मेरी वाणी चुभती है, पर मैं शास्त्र संगत बोल रहा हूँ। कभी कभी गुरुआ लोग जो वंशक गुरु, जिनके चेले ग्रस्त गुरु के चेले हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि भाई नानक देव जी के भी तो बच्चे थे, और काफ़ी संतों का उदाहरण देते हैं, उनको भी तो बच्चे थे, धर्मदास जी के तो बच्चे थे। मैं कह रहा हूँ नहीं थे, लेकिन जब दुनिया का कल्याण करने चले तो नानक देव जी सब छोड़ करके तब निकल पड़े थे, ठीक है। इस फैक्टर को कोई नहीं बोल रहा है। अब जो वंशक ग्रस्त गुरु है उनको चुभेगी ये बात,
यहाँ साहब एक बात बोल रहे हैं, बंधे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन। जाका गुरु हैं ग्रही, ग्रस्त गुरु, चेला कहाँ को जाए। जाका गुरु हैं ग्रही, चेला ग्रही होए। वजह, हमने तो गुरु से एनर्जी लेनी है। गुरु की इतनी महिमा क्यों बोली गई है। जाका ग्रही गुरु हैं ग्रही, ग्रस्त चेला ग्रही होए। चेला भी ग्रही हो जाए, ग्रस्त हो जाएगा। कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोई। साहब तो साफ शब्दों में कह रहे, ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, कभी मत करना इनको, दूर ही ते तज दीजिए। ये कलयुग है, ये कलयुग है। रंग महल में रहत मस्करे, साधु लोट धूर और छारा, निरंजन धन तो हिरो दरबार। सुने, प्रथम कह रहे हैं ग्रस्त गुरु कभो न कीजिए, पहला ये लक्षण है। वो खुद माया से अलग हो, तत्वज्ञानी में काम क्रोध लोभ मोह नहीं होगा, बाल बच्चों में नहीं उलझेगा। तमाम गुरुआ लोग अभी अपनी गद्दियां बच्चों को देके जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये मामला चलता आ रहा है। इसका मतलब उनका मोह नहीं गया। डेढ़ डेढ़ सौ साल, दो दो सौ साल पुराने पंथ हैं, वो अपनी ही वंश पीढ़ी में चलते आ रहे हैं। पक्षपात नहीं है, ममता नहीं है, मोह नहीं है। इसलिए दूसरा गुरु और निर्बंधन, वो तत्वदर्शी बंधन रहित हो जाता है। संसार को स्वप्न मानता है, संसार के रिश्ते नातों को सीमित मान करके चलता है, आंकता है। वो सब चीज़ों को अनित्य मानता है। इसलिए गुरु हो निर्बंधन। तीसरा, सारग्राही, गुरु शिष्यों का धन नहीं खाए। आजकल गुरुआ लोग शिष्यों से धन लेकर के मौज मस्ती कर रही है, अपराध है। शिष्यों का धन नहीं खाए, इसका प्रमाण मिलता है। बड़े बड़े ऊंचे संत हुए, उन्होंने कभी लोगों का धन नहीं खाया। वो अपने सारग्राही, अपने उपार्जन से जीवन गुजारे। रविदास महाराज के पास राजा पीपा जैसी शख्सियतें थी, लेकिन उन्होंने जूता गांठ करके, दो जूते रोज गांठते थे, एक किसी गरीब को दान में देते थे, एक बेचकर उसी से रोटी खाते थे। साहब ने, वीर सिंह बघेल जैसे लोग थे उनके पास, राजा महाराजा, लेकिन चरखा काट करके बोल सूत काटते थे। तुकाराम जी के पास शिवाजी जैसे लोग थे, लेकिन तुकाराम जी लकड़ी काट करके अपनी जेब का गुजारे। इस तरह गुरु हो सारग्राही। सारग्राही का मतलब वैभव का जीवन न जिए। एक आत्मज्ञानी किसी भी कोण से संसार का मजा नहीं लेगा। जब संसार का मजा ले रहे हैं फंसेगा, मजे में ही सजा है। इसलिए इन सबको वो बंधन कारक मानता है, वो इंद्रियों का पूरा नियंत्रण रखता है। इंद्री साधे साध कहाए, वो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसकी इस प्रवृत्ति से जाना जाता है। इंद्री साधे साध का है, चेक करो। अगर वो मोह माया में उलझा हुआ है, विषय विकारों में उलझा हुआ है, आपका ज्यादा भला नहीं कर सकेगा। चौथा, निर्लोभी, वो धन के लिए नहीं करे, धन कमाने के लिए प्रयास न करे, धन को संग्रह न करे। प्राचीन काल के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, राज्य आदि त्याग करके वो समाज कल्याण के लिए आए, कठिन कठिन गोपीचंद आदि, भर्तृहरि आदि अन्य राजा लोग भी हुए। आज का महात्मा, आज का गुरु वैभव की जिंदगी जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है। लग्जरी लाइफ जीना है तो बिजनेस करो। संगी।
स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। प्राचीन काल के जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, राज्य आदि त्याग करके वो समाज कल्याण के लिए आए, कठिन कठिन गोपीचंद आदि, भर्तृहरि आदि अन्य राजा लोग भी हुए। आज का महात्मा, आज का गुरु वैभव की जिंदगी जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है। लग्जरी लाइफ जीना है तो बिजनेस करो, पब्लिक से धन लेकर के, भीख लेकर के धोखाबाजी नहीं करना। पांचवा, गुरु हो समदर्शी, सब में एक आत्मा देखने वाला, आत्मवतम सर्वभूतेषु, इस सिद्धांत को पालन करे। छठा, सर्वज्ञी। सर्वज्ञी कौन होगा? कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, धर्मशास्त्रों का पूर्ण ज्ञान, वो आपकी शंकाओं का निराकरण कर सके, आपका भ्रम बाहर निकाल सके, आपको यथार्थ की तरफ ले जा सके, आपको सत्य भक्ति की तरफ और परमात्मा की ऊर्जा दे सके। सातवां, ईश्वर निष्ठ, परमात्मा में लय। जब तक ईश्वर निष्ठ नहीं है, काम नहीं बनेगा। ये है गुरु के लक्षण। साहिब वाणी में कहते हैं, प्रथम ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु कहे सो जो तत्व विचारा, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य कछ संकट नाही, पेट के कारण करे गुरु आई, पीढ़ी सहित नरक में जाई, जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया, दोनों कूप पर आए। अब देखते हैं, गुरु एक अध्यात्म ऊर्जा का पुंज है। आखिर योग की पंच मुद्राएं तो कोई भी सांख्य शास्त्र को पढ़ के भी करेगा। अरे भूसरी मुद्रा में जाना कौन सी बड़ी बात है, जो वेदों में धर्मशास्त्रों में उन मुद्राओं का उल्लेख है। जैसे योग की क्रिया करना है, वज्रासन करना है, धनुआसन करना है, शीर्षासन करना है, उसकी विधियाँ है ना, इसी तरह पंच मुद्राओं की विधि है, खेचरी भूचरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी, उसके क्रम है, उसके तरीके हैं, वो तो शास्त्रों में भी लिखे हैं। गुरु सिर्फ ध्यान नहीं बता रहा, आप वो अध्यात्म ऊर्जा का स्रोत और केंद्र है, आपकी एनर्जी बढ़ाएगा। कितनी एनर्जी बढ़ाएगा? इसलिए गुरु का महात्म बोला गया, अध्यात्म ऊर्जा बढ़ाएगा। क्यों? जीव के हृदय में अंधकार है, गू कहिए अंधकार को, रूसे भया प्रकाश। अंधकार को मेट के हृदय करे प्रकाश, गुरु नाम है ताज। गुरु अध्यात्म ऊर्जा का केंद्र है, इसलिए साहिब वाणी में कह रहे, गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, दिन में कई कई बार दर्शन करना। आसूया का मेहजिम करे बहुत उपकार, अश्विन महीने में जो बरसात होती है, सावन भाद्रो, भाद्रपद के बाद जो बरसात होती है अश्विन, वो बहुत गुणकारी है। इसी तरह गुरु का दर्शन बहुत गुणकारी, अश्विन का बरसात क्या करती है, आसूया का मेहजिम करे बहुत उपकार। पत्थर पर गिरेगा तो पारा बना देगा, पारा बन जाएगा। केले के अंदर गिरेगा, केले के पत्ते में अंदर, तो वो कपूर बना देगा। बांस के अंदर वो पानी की बूंद गिरेगी, बंस लोचन बना देगा। सीपी के पेट में वो बूंद गिरेगी तो मोती बना देगी। कितनी बहु आयामी, बहुत करे उपकार। साहब करे कंटिन्यू गुरु का दर्शन करना,
देखा संतत्व की धारा में गुरु के दर्शन को इतना महत्व दे दिया, इतना महत्व योग विद्या में नहीं है, धर्मशास्त्र में गुरुदर्शन का इतना महत्व नहीं है। प्राचीन काल में जो गुरु के शिष्य थे यदा कदा गुरु के पास पहुंच जाते थे, लेकिन साहब तो तकाजा कर रहे हैं गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र है, वो आपको अध्यात्म ऊर्जा देगा, तब तुम अपने अंदर के विकारों को जीत सकोगे, नहीं तो नहीं। ये आंतरिक विकार बहुत जटिल हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसलिए गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं, देखिए, श्री गुरु पद नख गण मण ज्योति स्मृत दिव्य दृष्टि ही होती ही हृदय। मैं अवध में ही बसता हूँ, रामायण तो अवधी भाषा में, लोग रामायण की टीका पढ़ के बातचीत कर रहे हैं, बेसिकली अवधी आता नहीं उन्हें। तो सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, आप देखते ना, इसका प्रमाण देता हूँ। एयर में कहते हैं आप अपना मोबाइल बंद करें, क्योंकि रेस वहाँ आएगी और विमान के संचालन में डिस्टर्ब करेगी। इस तरह गुरु के शरीर से एक रेज निकलती है, अध्यात्म रेज निकलती है, वो शिष्य को प्राप्त होगी। ये रेज तीन तरह से मिलती है, स्पर्श से, इसलिए उनके चरण छू रहे, दृष्टि से, दृष्टि से तो दुनिया में कई चीजें मिलती है, जो घृणा दिखाता है वो भी आंखों से दिखाता है, जो भय दिखाता है वो भी आंखों से दिखाता है, जो प्रेम दिखाता है वो भी आंखों से दिखाता है, और वो प्रभावित करती है चीज़ें। जब ये चीज़ें आंखों से संचालित हो सकती है तो गुरु दृष्टि से अध्यात्म ऊर्जा देगा। इसलिए हमारे पंथ में टकसार बंदगी में नियम है, चरण छूकर गुरु से निगाह मिलानी है। तो दूसरा, पहला स्पर्श से, आखिर उनका पैर क्यों छुआ, प्रणाम क्यों किया गया, उनके जिस्म में भी रूहानी ऊर्जा है, वो ऊर्जा ये बाहर ही नहीं है कहीं सेंट फेंट लगा कर घूम रहे हैं, अध्यात्म ऊर्जा है, वो आप में ट्रांसमिट हो जाएगी। वो अध्यात्म ऊर्जा क्या करेगी, आपको अंदर से चेतन करेगी, हृदय को प्रकाशित करेगी। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संग। मैं उदाहरण देता हूँ, जब आप गुरुजनों का दर्शन करके जाते हैं कुछ दिन तक रूहानियत बनी रहती है, जैसे अंतराल ज़्यादा होता जाता है मन मोटा होता जाएगा, मन मोटा होता जाता होगा। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करें, पक्का ना, जिस बात से सहमत नहीं हो हाथ खड़ा मत करना, नहीं तो वो हिसाब हो जाएगा। जो आपको अंतर से लगे उसके लिए हाथ खड़ा करना। एक था सेठ दुकान बंद करने के बाद रात्रि में सभी शिष्यों को इकट्ठा करके चुटकुले सुनाता था, सभी को हंसाता था, बहुत हंसते थे सब, हंसाता था। एक दिन एक नौकर नहीं हंस रहा था, सेठ ने पूछा, भैया तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? बोला, महाराज आपने मुझे जवाब दे दिया है कल से नौकरी पर नहीं आना। तो उसने बोला, नौकरी से और हंसने का क्या मतलब है? बोला, आपका चुटकुला हंसने वाला कोई होता ही नहीं है, ये तो इसी भय से हाँ हाँ करते हैं कहीं नौकरी से नहीं निकल दो। उस नौकर ने कहा, ये तो इसलिए हंसे जा रहे हैं, नकली हंसी हंस रहे हैं। आप नकली हाथ खड़ा नहीं करना, जो अनुभूति आपको अंदर में लगे वही भय की बात नहीं है। तो आप अनुभव करते होंगे, आप चेतन हो जाते हैं जब अंतराल ज़्यादा होता है, कुंद होते हो, क्या कुंद होते हो, मन खींचने लगता है, मोह खींचने लगते हैं, विकार खींचने लगते हैं, और ये अंदर के विकार समझ में नहीं आने लगते हैं, आप में अचेतना आ जाती है। इसलिए साहब कह रहे हैं, गुरु के स्मरण मात्र से गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। अरे आंसू या का मेह जिम करे बहुत उपकार। आगे कह रहे हैं, भाई अगर आपको गृहस्थ आश्रम का संचालन करना है, परिवार चलाना है, बहुत काम है आपके जिम्मे, दिन में कई बार तो दर्शन नहीं कर पाओगे ना, तो कह रहे कई वक्त ना हो सके तो दो ही वक्त कर ले, तो दिन में दो बार कर लेना।
जब उनके सानिध्य में जाओगे दुनिया सब स्वप्न लगने लगेगी, मन का वेग मन खींच नहीं पाएगा, मन का वेग मध्यम हो जाएगा, विकार खींच नहीं पाएंगे। अरे दुई वक्त ना कर सके, थोड़ा कहीं दूर है नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दिन में कर एक बार गुरु का दर्शन, गुरु के दर्शन के किए होइए भव जल पार। वाह सहज बता दिया, इसी से ही पार हो जाओगे। तभी तो साहेब कह रहे हैं ना कुछ किया ना, गुरु गुरु पार करेगा। वाह गुरु पार कर देगा। कह रहे भाई कहीं और दूर हो, वार वार एक दिन ना हो सके चोर तो दूसरे दिन कर जोए। कहे कबीर उस दास का पला न पकड़े कोई, दूसरे दिन कर लेना, ज्यादा विलंब नहीं करना, ज्यादा डिले नहीं करना। आप रोज रोटी खा रहे हैं, आपको रोज एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इस तरह नित्य गुरु की ऊर्जा की आवश्यकता है, काम बनता जाएगा। दूसरे दिन ना हो सके अब थोड़ी थोड़ी गड़बड़ करेगा मन, चौथे दिन कर रहा है। गुरु के दर्शन के किए सकल मनोरथ पाए। भाई चौथे दिन कर लेना, थोड़ी घाटा हो गया, अभी थोड़ा सा हृदय में अंधकार आने लगेगा। चौथे दिन ना हो सके तो बार बार कर नित। कह रहे चौथे दिन अगर नहीं कर सकते हो तो बार बार का मतलब मंगल मंगल गुरु 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 इतवार इतवार हफ्ते में एक बार कर लेना, बस जाओगे। नहीं तो दोबारा मन माया की तरह तुम्हें घसीटने के लिए तैयार बैठा है। मानत नहीं मन मोरा। देखा साहब कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं गुरु की चारों तरफ। भाई कहीं आप ज्यादा दूर हैं, आपके पास साधन नहीं है इतने, आप नहीं आ सकते हैं, अब गड़बड़ तो हुई। तो कहते हैं बार बार ना बन सके तो पक्ष पक्ष कर जोए। सदगुरु के दर्शन किए पला न पकड़े कोई। कह रहे भाई फिर 15 दिन में तो कर लेना। सदगुरु के दर्शन किए फांस नहीं आएगी। आदमी 2-4 दिन रोटी नहीं खाया कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर खा ले तो लेवल हो जाएगी। अच्छा भाई 10-12 दिन नहीं खाए तो ज्यादा वीकनेस आ जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा उठे तो रिकवरी हो जाएगी। तो साहब कह रहे रिकवरी हो जाएगी थोड़ी। पक्ष पक्ष ना हो सके तो पूनम को कर नित। कहे कबीर धनराज से जो चाहो अपना हित। अब यहां वार्निंग दे रहे हैं, महीने में जरूर करना। मन मोटा हो जाएगा नहीं तो, आप सुरक्षित तो हैं लेकिन मन कुंद करेगा, समस्याएं बढ़ती जाएगी। गुरुदर्शन को जाइए तश्कर सब अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। गुरु का दर्शन कीजिए। वाह कह रहे हैं कोटिन यज्ञ के समान हो जाता है, ऐसे ही है क्या गप। आगे कह रहे हैं अगर अपना वार्निंग दे रहे हैं यहां, अगर भला चाहता है तो फिर महीने में कर लेना पूनम को करनित। कहे कबीर धर्मराज से जो चाहो अपना हित। नहीं तो क्या होगा, कुंधता आती जाएगी, विकार घेरने लग जाएंगे, माया उथल पुथल ज्यादा करेगी, भजन में मन अब नहीं लगेगा। आप रह रहे हैं संसार के अंदर, अरे पानी में रह रहे हो, ऑक्सीजन थोड़ी भी हटाई तो दम घुटेगा। काजल केरी कोठरी कबरा ये संसार, बलिहारी वा पुरुष की जो पैठ निकल गया पार। धीरे धीरे अट्रैक्टेड हो जाएगा, मन के हमले आते जाएंगे। अच्छा भाई समस्या है, अगर इंसान इसलिए मैं आपको उदाहरण दूं, मुझे मेरे गुरुदेव ने कहा मधु ये कलयुग है, कोई गुरु भक्ति करने वाला नहीं, गुरु का दर्शन भी नहीं समझने वाला, जीव माया में उलझा हुआ है, किसी को गर्ज नहीं है गुरु के पास आने, तुम खुद जाना, वो नहीं आएंगे तुम्हारे पास, तुम खुद भगना, आराम नहीं करना। मैं कहा जो आ गया जो आ गया। जब तक गुरु जीवित है उसका हर शब्द वो साक्षात है,
पालन करना, जब चले जाएं उनके जो वर्ड्स हैं वही फिर आगे गुरु हैं, ठीक है, वही आगे गुरु है। मुझे आराम नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता हूँ आराम, नहीं, गुरु का शब्द उल्लंघना नहीं, एक मिशन है जिंदगी का। तो आइए, अब एक बार धर्मदास जी ने पूछा, गुरुदेव जी कोई बहुत गरीब है, अक्षम है, बहुत दूर है, नहीं पहुंच सकता है, तो फिर साहब करें पूनम को नहीं आरती भेवा तागर काल को रहिए वासा, बोला वहाँ काल का वास होगा, निरंजन वहाँ प्रबल हो जाएगा। इसलिए गुरुदर्शन क्या मिलेगा, गुरु चेतना का पुण्य है। चेतना कौन सी, प्रकाश का पुण्य, कौन सा प्रकाश, ये लाइट का क्या, अध्यात्म प्रकाश। जब ये दिव्य अध्यात्म सत्ता आ जाती है तो फिर अंदर का खेल समझ में आता आएगा, वहाँ चांद सूरज तारे हृदय प्रकाशित नहीं करते हैं, गुरु प्रकाशित करेगा। कबरा दर्शन साध के बड़े भाग्यते हुए, जो होवे सूली सजा तो काटे ही टर जाए। बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा दंड भी होगा ना, थोड़े से में छूट जाओगे, थोड़े से में छूट जाओगे। इसलिए दूसरी ऊर्जा मिलती है वाणी से, उनके शब्द चैतन्य है, पहले स्पर्श से, दूसरा दृष्टि से। जितनी देर हम जिसकी भी दृष्टि कर रहे देख रहे हैं उसी का रूप हो जाएंगे। अगर आप मजीरे को देख रहे हैं, अभी आप मजीरे हैं। दर्शन सफा दीदारे नफा, ये श्रद्धा युक्त हो, ये भाव से हो, ये ध्यान से हो। तीसरा, पहला तो स्पर्श से, दूसरा वाणी से देखने से, तीसरा वाणी से, उनकी उनके शब्द, उनकी वाणी चैतन्य है, वो वगैरह वगैरह नहीं बोलते हैं, आदि आदि नहीं बोलते हैं, वो चैतन्य है, वो शब्द जागरूक हैं, वो आपके अंतःकरण में जाएंगे, एक्टिव होंगे, वो क्रियान्वित होंगे, वो आपको इम्प्लीमेंट करा के छोड़ेंगे। इसलिए उनकी वाणी में सत्संग की महिमा अनंत कही गई, सात स्वर्ग अपिवर्ग धरो तिला एक अंग, ताहे सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग कबीरा, जा क्षण लो सत्संग। वो पल भर का सत्संग काफी है। धर्मदास जी ने शंका पूछी कि कोई महाकंगाल है, बड़ी दूर है गुरु महाराज, तो फिर कैसा, बोला वो गुरु को चेतना दे, गुरु को संदेश दे, मैं समस्या में हूं, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, अपनी सुरती आप मुझ पर रखना, आप मुझे खुद नहीं भुलाना, अपना ध्यान मुझे देना। आओ मैं उदाहरण देता हूं, सेवा का लाभ क्या है। एक दिन मैंने शेखर को कहा, यार सुनो, मैं आर्मी में क्लर्क भी रहा हूं, मेरे पास लैपटॉप एप्पल आईपैड है, मुझे सिस्टम बताओ, टिकट कैसे बनाते हैं, अकाउंट कौन सा खोलना है, कैसे ईमेल करना है, मुझे बता दे थोड़ा सा, और कौन सा, तो मुझे टाइम नहीं, कैटलॉग देखूंगा, मैं खुद ही समझ जाऊंगा। उसने कहा, नहीं गुरुजी, फिर आप मुझे पूछोगे ही नहीं, वो मुझे कह रहा था फिर आप मुझे नहीं पूछोगे, अभी कम से कम इसी बहाने आप मुझे फोन कर लेते हो कि वहाँ की टिकट बनाओ। और मैंने कहा, यार सुन, तू दिल्ली से टिकट बना के फिर ईमेल भेजता है जम्मू में, फिर वहाँ से एक लड़का लेके आता, मेरे पास कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, एप्पल आईपैड भी है, मैं खुद ही अपना वो कर लूँगा। वो पता है क्या कर रहा है, नहीं, जो सेवा कर रहा है उससे ध्यान लिंक रहता है, उसको ऑलरेडी एनर्जी मिलती जाती है। नाम गुरु का।
संगी। स्वामी मधु परमहंस जी, जिनका अद्भुत नाम लेते ही मन मधुबन बन जाता है, जिनकी वाणी सुनते ही हृदय पुलकित हो उठता है, ध्यान लगते ही आत्मा आलोकित हो परमात्मा के दर्शन करने लगती है, ऐसे श्री सतगुरु की महिमा का वर्णन कहाँ तक करें जो अनंत हैं। एक दिन मैंने शेखर को कहा, यार सुनो, मैं आर्मी में क्लर्क भी रहा हूँ, मेरे पास लैपटॉप एप्पल आईपैड है, मुझे सिस्टम बताओ, टिकट कैसे बनाते हैं, अकाउंट कौन सा खोलना है, कैसे ईमेल करना है, मुझे बता दे थोड़ा सा, और कौन सा, तो मुझे टाइम नहीं, कैटलॉग देखूंगा, मैं खुद ही समझ जाऊंगा। उसने कहा, नहीं गुरुजी, फिर आप मुझे पूछोगे ही नहीं। वो मुझे कह रहा था, फिर आप मुझे नहीं पूछोगे, अभी कम से कम इसी बहाने आप मुझे फ़ोन कर लेते हो कि वहाँ की टिकट बनाओ। और मैंने कहा, यार सुन, तू दिल्ली से टिकट बना के फिर ईमेल भेजता है जम्मू में, फिर वहाँ से एक लड़का लेके आता, मेरे पास कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, एप्पल आईपैड भी है, मैं खुद ही अपना वो कर लूँगा। वो पता है क्या कर रहा? नहीं, जो सेवा कर रहा है उससे ध्यान लिंक रहता है, उसको ऑलरेडी एनर्जी मिलती जाती है। इसलिए जो सेवक है ना, वो जुड़ा रहता है, उसको नेचुरल। अब देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं पंचाल जी को जानता हूँ, ये भैया भी नाम लिया ना, मैं इनको इतना नहीं जान रहा हूँ, ये इतनी सेवा में आए नहीं, मेरे टच में इतना नहीं आए, इनको क्या करना पड़ेगा, मुझसे ही ऊर्जा लेनी है, खुद ध्यान करके, उनको ऑलरेडी मेरा ध्यान ही जाएगा। देखो ये लाभ हुआ कि नहीं, ये चेंजिंग हुई कि नहीं। एक पंडितू आया मेरे पास, बड़ा नादान सा था, जंगल का रहने वाला, पहाड़ों का, अभी मैं देखा मेरे साथ रहते रहते इतना ज्ञानी हो गया है। वो एक दिन लोगों को कह रहा था कि भाई देखो, हम सब कभी कभी अपने नाम के लिए परेशान होते हैं, अपने नाम के लिए परेशान होने से अहंकार आएगा, गुरु के लिए काम करते जाना है, अपने छोटे बन करके बस बात खत्म है। मैं कहा, ये तूने बहुत बड़े पते की बात बोल दी, इतने पते की बातें बोलता है कि पूछो मत, चेतना आती जाएगी, गुर सुरति सुरत हेनु समाना। इसलिए सुरत करो मेरे साइया, हमें उनका ध्यान चाहिए, जिस पर निगाह भी टिकी वो भी चेतन हो जाएगा, वो भी चेतन हो जाएगा। गुर का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। तो साहब कह रहे, अगर महा में नहीं दर्शन हो तो वो गुरुजनों को फोन करे, चिट्ठी लिखे, पत्र लिखे, प्रार्थना करे, इससे संकट में हूँ, अभागा हूँ, आपके दर्शन के लिए नहीं पहुँच रहा हूँ, अपनी कृपा करना, मुझे सुरती में रखना। देखिए कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। इसलिए गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला, जा पर गुरु को अति अनुरागू, को कह सके भरत को भागू। गुरु सुरती, गुरु का कंसंट्रेशन, गुरु सुरती सुर धेनु समाना, काम धेनु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, सब वांछित चीजें मिलती जाएगी, संकट कटते जाएंगे, दुख कटते जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी तक तो मेरा यह नजरिया है, ये सेवा बहुत उत्तम चीज है, किसी को सेवा करने में बाधा नहीं देना, ईर्ष्या मत करना, उससे प्रेरणा लेना कि हम भी सेवा करें, उसको रुकावट मत देना, तुम्हारा ये अधिकार अकेला गुरु पर नहीं है, कोई भी कर ले, उसमें व्यवधान लोगे तो तुम्हें दोष लग जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साध संगत तर जाएगा। वाह, फार्मूला बताता हूं आपको मैं। नानक देव जी ने प्रभु से प्रार्थना की, तुम्हारा दास बनने में कोई मजा नहीं, तुम्हारा दास बनकर क्या सेवा करूंगा, हे प्रभु जो तुम्हारे दास है उनका दास बना दे। इसको कहते हैं दासानुदास। वाह साहेब ने कहा,
धर्म राय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, तू क्या मुख लेके जाएगा। कह रहे भाई बहुत अच्छा भजन है साहब का, भाई धर्मराय वहां लिखा होगा, तू क्या मुख लेके जाएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा, साध संगत तर जाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा, तू क्या मुख लेके जाएगा। कह रहे कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। अरे साधु कौन? साधु कोई जटा दाढ़ी बाल वाला नहीं है, इंद्रिय साधे साध कहा है। जो नियंत्रण कर रहा है अपनी प्रवृत्तियों पर वो साधु है, जो अपने अंदर के विकारों पर नियंत्रण कर रहा है वो साधु है, जो मन पर नियंत्रण कर रहा है वो साधु है। देखिए मैं आपको साधु मान रहा हूँ, आपका नियंत्रण हो गया, आपके साथ ईश्वरीय ताकत लगी है, बस मैं एक सेवा देना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मेरा एक मिशन है, जो आश्रमों में आगंतुक आते हैं दूर दूर से भी आते हैं, आप किसी के घर जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं, खातिरदारी चाहते हो कि नहीं? वो भूखा रखे कैसा लगेगा, वो ओढ़ना नहीं दे कैसा लगेगा, वहाँ आप इनकन्वीनियंस हम कैसा लगेगा, आपका दोबारा आने का दिल नहीं करेगा ना? मैं चाहता हूँ आपका आश्रम आने का दिल हमेशा करे। तो मेरी प्राथमिकता है आगंतुक लोगों को रोटी दूँ, भोजन दूँ, उनको नहाने की सुविधा दूँ, उनको कपड़े की सुविधा दूँ, बिस्तर की सुविधा दूँ, नहाने की सुविधा दूँ, टॉयलेट की सुविधा दूँ, सोने के लिए आसन दूँ, बैठने के लिए जगह दूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरे मिशन में सहयोग है, आप इसमें जुट जाओ ठीक है, बाकी मैं आपको अपनी बॉडी नहीं सुनने दे रहा है, बाकी आपको नहीं कहूँगा आओ चलो लाओ मेरे को तेल साबुन लगाओ, कभी भी नहीं, उम्मीद नहीं करना, यही सेवा है। अब जब लोगों का भोजन बनाएंगे तो बर्तन साफ करने वाला चाहिए कि नहीं, सब्जी काटने वाला चाहिए कि नहीं, बाथरूम साफ करने वाला चाहिए कि नहीं, टॉयलेट साफ करने वाला चाहिए कि नहीं, दरिया बिछाने वाला चाहिए कि नहीं, लकड़ी फाड़ने वाला चाहिए कि नहीं, रोटी बनाने वाला चाहिए कि नहीं, ये व्यवस्था अगर आप सुचालू करेंगे मेरा हेडेक कम हो जाएगा। इसमें जुड़ जाना, इसमें नंबर वन टू मत सोचना, ये बड़ी छोटा बन है, जो तुमसे बन सके करते जाना, जो दूसरा करे खुश होना, जो सेवा करे उसको नमन करना, धन्य हो तुम सेवा कर पा रहे हो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उससे प्रेरणा लेना, उससे ईर्ष्या मत करना, उसको रुकावट जब लोगे तो मेरा ही तो काम रोका, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसी तरह इस प्राथमिकता में इस कार्य में हाथ बढ़ाना है। नारद जी ने विष्णु जी से पूछा, महाराज मेरे से बड़ा भक्त कोई है? विष्णु जी मुस्कुराए, क्योंकि नारद जी पल पल नारायण 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 कहते रहते। बोला हे नारद तुम मृत्यु लोक में जाना, वहां श्यामपुर में जाना, वहां मेरा एक भक्त है दीनू, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।
नारद को जिज्ञासा हुई, वो बहुत बड़ा भक्त होगा। नारद आया, भेष बदल कर उसके पास रहने लगा। तीन दिन रहने के बाद नारद जी वापस गए, जाकर विष्णु जी से कहा, महाराज आज आपने बड़ी मजाक किया, अरे किस नास्तिक के घर भेज दिया, अरे दिन भर माया में लगा रहता था, कभी गायों को चारा देता था, कभी बच्चों को खिलाता था, कभी कुछ नहलाता था, कभी कुछ करता था, कभी खेती बाड़ी करता था, कभी बैलों को लेकर चलता था, कभी क्या है फिर सो जाता था थक करके, कभी न बैठा न भजन करे न ध्यान करे, आपने किस वक्त के बाद भेज दिया, आपने तो बड़ी मजाक कर दी मेरे साथ। उसने कहा, नारद कोई बात नहीं है, एक कटोरा पानी दिया, बोला गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके अश्वमेध पर्वत की, लेकिन ध्यान देना पानी नहीं गिरे। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज। नारद जी कटोरा लेकर के चल पड़ा। दो दिन तीन दिन में पूरी परिक्रमा करके आया, बोला भगवान लो अपना कटोरा, मैंने एक बूंद भी पानी गिरने नहीं दिया। विष्णु जी ने कहा, नारद कितनी बार मेरा नाम पुकारा, बोला वो तो मैं भूल गया ना, मेरा ध्यान ही कटोरे में था। बोला यार नारद एक बात है तू, अच्छा विष्णु जी ने उससे पूछा, जब वो दीनु किसान के घर होके आया था नारद, तो नारद ने कहा महाराज क्या मजाक किया, किस आदमी के घर भेज दिया, दिन भर बाल बच्चों में घूमता रहता था, कभी नहलाना कभी खिलाना कभी क्या करना, कभी हल चलाना कभी रोटी पकाना कभी खेत में जाना कभी बैल चलाना कभी क्या करना। बोला अरे कभी भजन कर रहा था, बोला कभी ध्यान में बैठा, कभी कभी कहता था प्रभु 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 प्रभु, कभी कभी कहता था। बोला नारद एक काम के बाद तूने मुझे बुलाया, वो हजार काम में उलझा हुआ फिर भी टाइम निकाल के प्रभु प्रभु कह रहा था, हरि हरि कह रहा था, तेरे से बड़ा भक्त नहीं है। इसलिए भैया ग्रस्त आदमी की भक्ति बहुत मानी जाएगी, उसको बड़ी जिम्मेदारी। ग्रह का जा नाना जंजाला, बहुत जंजाल, कहीं बच्चे बीमार, कहीं बीवी बीमार, कहीं इधर झगड़ा, कहीं उधर झगड़ा, कहीं उनका स्कूल भेजना, कहीं कुछ करना, ये बहुत कठिन तपस्या है, इसलिए उसकी भक्ति बहुत मानी गई है, ठीक है, गृहस्थ की भक्ति बहुत मानी गई है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, बोला महाराज मैं दुनिया छोड़कर आपके पास आ गया हूँ। मैंने कहा वेलकम यार, 40 आश्रम खाली पड़े, मैं तो तलाश में हूँ, लोग आ जाए। अच्छा ठीक है। बोला बच्चे कितने हैं, बोला तीन। कितने बड़े हैं, एक 3 साल का, एक 7 साल का, एक 10 साल का। मैं बोला उनकी देखभाल कौन करेगा, बोला मेरा बाप है वो करेगा। अरे मैं बोला नादान, बच्चे पैदा करके बूढ़े बाप को ये जिम्मेदारी दे के आ रहा है, उस बिचारी के साथ कितना बड़ा विश्वासघात करके तू आया है मेरे पास, वो कितनी परेशान हो जाएगी उनको पालने पोषण में, जा पहले उनकी देखभाल कर, अपना कर्तव्य पूर्ण करके जब एक बच्चा बड़ा हो जाए कमाने लायक अपनी पत्नी को देकर तब आना इधर, तू तो कायर निकला, तू तो घबरा के जा रहा है। इसलिए गृहस्थ आश्रम टॉप आश्रम, हम तो कह रहे बूढ़े भी आओ बीमार भी आओ, आओ तो 40 आश्रम खाली पड़े हैं रहो, लेकिन अब 3 छोटे छोटे पिल्लू छोड़ करके इधर आएगा तो मैं क्या उसको रखना, मुझे भी पाप लगेगा नहीं लगेगा। अरे भाई उसकी बीवी बेचारी उठते बैठते कितनी परेशान होगी, मोहताज हो जाएगी, उन बच्चों की कौन परवरिश करेगा, हाँ आप फ्री हो जाए, मैं स्वार्थी हूँ ही नहीं अपना जीवन में, हाँ जब तुम आ निवृत्त हो जाओ कहता वेलकम, मैं तो लोगों को बुला रहा हूँ आओ, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाए नू आ जाए तो बूढ़ी माए भी आ जाओ ना आश्रम में रहना सेवा करना, खाली आश्रम पड़े हुए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर आ जाओगी तो फिर तो जाओ वापस, पहला जो झंझट किया उसको पूरा कर फिर चलना, अब यात्रा जी को कहूँगा चल पर ये नहीं चल रहा। अब बेटी बहुएं भी आ गई कह रहा हूँ चलो, बुढ़ापे में हमारे मोह भी बढ़ जाता है, ममता भी बढ़ जाती है, सब चीज़ें लालच भी बढ़ जाती है। सुनिए तो साहब कह रहे हैं धर्म कर्म तत्पर सदा कीजिए सुरत संभाल। बोला बहुत काम होगा गृहस्थ आश्रम में, धर्म कर्म सब क्रियाएं करते हुए भी श्रुति रखना गुरु में, पार होने का तरीका गृहस्थ आश्रम में साहब बोल रहे हैं। कोटि कंटक
घेर जित नित क्रिया नित कीन स्मरण भजन एकांत में मन चंचल कहीं। क्या कह रहे हैं? जैसे नित क्रियाएं चाहे करोड़ों भी काम आए कर लेते हो कि नहीं? अरे सब सुबह सब दिशा मैदान गए कि नहीं, टॉयलेट गए कि नहीं, नाश्ता पानी किया कि नहीं, नहाए कि नहीं, ये नित क्रियाएं हैं। इसके लिए जब टाइम निकाल रहे हो तो भजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, लगन की कमी है। ठीक है, यहाँ तो कह रहे हैं अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश नुमाई को भस्म तन में रमाता जा। शौक तो रखो कुछ। पुरुष जति सो जानिए निजति अति विचार, यानी निजति अपनी पत्नी से ही पत्नी का व्यवहार। इतर नारी जो जगत में मात बहन पुत्री सकल औरी जेती नार, बाकी सब स्त्रियां उम्र के अनुसार माता बहन और पुत्री के समान। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुर वाणी, माया महा ठगनी में जा। आइए बताता हूं क्या है। केशव के कमला हुए बैठी शिव के भवन भवानी, केशव की कमला होकर बैठी शिव के भवन में, तीर्थ में पानी होए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कृष्ण के राधा होए बैठी शिव के भवन भवन। भाई कृष्ण जी के या राधा बनकर गए मोहित के, राम के पास सीता बनकर, पंडा के मूरत बन बैठी तीरथ में भई पानी। अच्छा महाठगनी हम जाने, सुनना। कंचन चंचन चूट जटाधर और ठगे बैताली, किस किस को? बड़े बड़े सन्यासी चूट जटाधर बैताली शमशान घाट में रहने वाले देवता गण गंधर्व ऋषि मुनि सबको चढ़ गई। देखो साहब की वाणी समझना, चंचन बंदन जूट जटाधर चंडित मंडित जूट जटाधर, चंडित चंदन फंदन लगाने वाले जूट जटाधर बड़ी बड़ी जट, मंडित सन्यासी जो खोपड़ी साफ किए हुए, चंडित मंडित जूट जटाधर और ठगे बैताली, बैताली शमशान घाट में रह करके जो सिद्ध और वो किसी की खोपड़ियों में वो खाए रोटी किसी को भी नहीं प्यार ही नहीं करे उनको भी, चंडित मंडित झूठ जटाधर और ठगे बैताली, कहे कबीर कोई संत जोहरी उनके हाथ बिकानी, कोई माया मार ठगनी में जा। आओ गजब का आकर्षण, ये क्या बात है, दुनिया नहीं जानी चाहिए। सुनो, नारी नदी यथा जल बूढ़ मुआ संसार, कहे कबीर कोई उबरे ये सदगुरु आधार, चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिड़ला कोए, पहुंचे बिड़ला कोए बीच में दुर्गम घाटी द्वय, कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी द्वय, चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिड़ला। अट्रैक्शन जबरदस्त, गण गंधर्व यक्ष किन्नर मोहित हुए। वजह, सृष्टि के आदिकाल में जब निरंजन ने सृष्टि की, तीन पुत्र हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, आदि शक्ति को कहा सृष्टि तुम संभालो, मैं शून्य में जाकर निराकार हो रहा हूं ताकि कोई सतलोक नहीं जा सके, मेरा भेद नहीं देना, तुम राज्य करो। तीन पुत्र हुए ब्रह्मा विष्णु महेश। कालांतर में देवताओं ने अपना अस्तित्व स्थापित किया, आदि शक्ति की उपेक्षा हुई, आदि शक्ति ने देखा कि मेरा कोई चल ही नहीं रहा है, पूरा व्यवस्था इन्होंने संभाल लिया, मुझे पूछ ही नहीं रहे। आदि शक्ति ने सोचा देवताओं को अधीन करो, ये मत बे आ गए। आदि शक्ति ने तीन कन्याएं उत्पन्न की, अपने जिस्म से मिट्टी निकाल दी, रंभा रुचि और रेणुका, उनको कहा, उनको मधुर कंठ दिया,
कोमल त्वचा दी, आकर्षित बनाया। कहा जाओ देवताओं को मोहित करो। नाम गुरु ले सत्संगी, नाम गुरु संगी।